बहुत मजे कर लिए, अब स्कूल जाकर पढ़ना पड़ेगा। आज से मुल्क भर में प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस का आगाज। स्कूल्स में समाजी फासला यकीनी बनाने की हिकमत अमली तैयार। असातज़ा, अमले और बच्चों के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो स्कूल सही तरीके से SOPs पे शरायत पे अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो पहले आपको नजर आ रही है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी में दहशतगर्दों और CTD के दरमियान मुबैना मुकाबला। जख्मी हालत में कलदम तंजीम का पकड़ा जाने वाला दहशतगर्द अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम से मशकूक बैग बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 बमों को नाकारा बना दिया। इंचार्ज CTD के मुताबिक दहशतगर्द सईद लोहा अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करके कराची में तकरीब कारी करने आया था। मोटरवे M9 हादसे में जाँ बहक नाकाबले शनाख्त 14 मैयतों की DNA के जरिए शनाख्त हो गई। मैयतों के DNA टेस्ट सिंध फ्रेंसिक लेबॉर्टरी जामा कराची से करवाए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक तमाम मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गईं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में भाई ने शोर मचाकर बहन को अगवा होने से बचा लिया। भाई बहन घर के लिए पीने का पानी भर रहे थे कि एक शख्स ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। भाई के शोर मचाने पर ड्यूटी पर मामूर अहलकार ने मुलजिम को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। बच्ची के वालिद की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेहलुम में GT रोड पर घी से भरा मज़दा उलट गया। घी सड़क पर फैलने से 2 ट्रक मज़दा से टकरा गए। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक, DHQ मुंतकिल। बाबरी मस्जिद इनदाम केस का फैसला 28 साल बाद आज सुनाया जाएगा। BJP रहनुमा LK अडवाणी समेत 32 अहम मुलजमान को अदालत में हाजिर होने की हिदायत। मुकदमे में इंतहा पसंदों पर संगीन इल्जामात हैं।